नमस्कार। आज की मुख्य खबरें, मुख्य हेडलाइंस इस प्रकार से हैं। केंद्र ने नहीं मानी प्रदेश के 40,000 गरीबों के मकानों की मांग, अब राज्य सरकार अपनी आवास योजना धरातल पर लाने में जुटी। 30 वर्ष से हनुमान जी का किरदार निभा रहे रिटायर्ड जेई ने मंच पर ही श्रीराम के चरणों में त्यागे प्राण। भिवानी में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में कलाकार दे रहे थे प्रस्तुति। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के चलते नई दिल्ली में 24 से 26 तक भारी वाहनों की एंट्री रहेगी बंद। फर्जी मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिनिक चलाने वाला गिरफ्तार, गुरुग्राम का मामला। जनवरी के अंतिम सप्ताह व फरवरी तक रेल की बुकिंग, अधिकांश लोग छुट्टियों के चलते 25-26 जनवरी को अयोध्या के लिए कर रहे हैं पूछताछ। फर्जी कर्मी बता बैंक से लिया 10 लाख का लोन, केस हुआ दर्ज। प्रीमियम दोगुना हुआ लेकिन केंद्र से राशि नहीं बढ़ाने से राज्यों पर बोझ। कर्ज चुकाने के लिए पैसे न देने पर गोद लिए बेटे ने पिता की हत्या की, पत्नी वह पुलिस को भी गोली मारी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। हरियाणा में वर्ष 2023 में 11,000 सड़क हादसे हुए, 5,000 जाने गई, इनमें 25% ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से ही। भाजपा ने सभी लोकसभा सीटों के प्रभारी व संयोजक नियुक्त किए। मुख्यमंत्री 24 को 153 परियोजनाओं और 60 तालाबों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में होगा निपुण मेलों का आयोजन, संविधान को जानेंगे विद्यार्थी। राम सभी के हैं, पूर्व सीएम राजीव गांधी ने खुलवाए थे राम मंदिर के ताले, हुड्डा ने कहा। कॉरपोरेट ग्रोथ 42 माह में सबसे कम, एचपीएस के प्रमोशन में फिर फंसा पेंच, वह अधूरी फाइल बनी कारण। फिर भी 2047 कंपनियों में रिटेल निवेशक 9% बढ़ गए। वेडिंग देश की चौथी बड़ी इंडस्ट्री, बोइंग 737 विमानों के दरवाजों में खामी, जांच के आदेश। जर्मनी में भारतीय सबसे ज्यादा कमा रहे, औसत की तुलना में आए दोगुनी। काली माँ की पूजा कर गुरुद्वारा समेत अन्य धर्मस्थलों पर पहुंची ममता। तस्कर गिरफ्तार, 1.21 करोड़ कीमत के मादक पदार्थ जब्त। जायके की तलब दूर करने वाली दवाओं के दौर में बिक्री बढ़ाने की जुगत तलाश रही कंपनियां। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू इबडन की जोड़ी पहली बार क्वार्टर फाइनल में। मुंबई की तीसरी जीत में शम्स मुलानी को 5 विकेट।